गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग फिर से एक नया जो है वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज 8.4 और रन थ्रू बनाएंगे। आज पांच क्वेश्चंस मैंने कोशिश की हैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। ये देखिए रन थ्रू का ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और इधर से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 देखते हैं। रोहित और मधुर दोनों ने कुछ पैसे में से बांटा है ना, शेयर्ड ए सम ऑफ मनी इन द रेशियो। कैश बांटा तो उसका जो सिम रेशियो आया वो आया क्या 3:2 आया। कुछ समय के बाद रोहित ने 1/2 अपने हिस्से से किसको दे दिया, टू मधुर। जब दे दिया पैसा उसके बाद मधुर के पास 140 रुपये थे। तो अब बताना है कि वो दोनों के पास टोटल मिलाकर कितने पैसे थे। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। मान लिया कि रोहित और मधुर दोनों के पास जो पैसे थे वो 3x थे और 2x थे। ये जो रेशियो दिया हुआ रहता है वो किसी न किसी नंबर को डिवाइड करके और तब से उसको कट करके दिया हुआ रहता है ना। लास्ट में आंसर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये 3 और 2 दिया हुआ था। तो देखिए ध्यान से, तो मैं रोहित ने फिर से क्या किया, 1/2 अपने हिस्से का। रोहित का हिस्सा कौन था, 3x था। तो ये 1/2 जो है अपने हिस्से से किसको दे दिया, मधुर को दे दिया। तो मधुर के पास पहले से ही कितना था, 2x रुपया पहले से मधुर के पास था। तो यहाँ पे 2x मधुर के पास और ये 3/2x, यहाँ से देखिए 3 ऊपर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2x जो है उसको और मिला किसके द्वारा, रोहित के द्वारा। तो मधुर के पास टोटल मिला के 140 रुपये थे। इसको हमने सॉल्व किया 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझेंगे यहाँ 1। तो 1 और 2 कैल्शियम 2 और यहाँ से 3x और यहाँ से 2 और 2 2 4x। तो 4 3 7x/2 = 140 और x = 140 × 2/7। ध्यान से आप लोग वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं यदि मैं कुछ फास्ट बोल गया हूँ। तो ये 20 × 2 ये 40 हो गया, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को आ गया 40। तो हम लोग अब पता कर सकते हैं कि रोहित के पास कितना था और मधुर के पास कितना था। रोहित के पास, मधुर के पास 2x था, यहाँ पर देख सकते हैं ये मधुर का हिस्सा है, ये 2x। तो ये 2x मधुर का हिस्सा निकाले 80 रुपया, 2 × 40, x का वैल्यू 40 आया था। और रोहित का जो है यहाँ पर ऐसे होगा, रोहित का जो है 3x था तो 3 × 40 ये हो गया 120। कैसे गुना किए, 3 × 4 = 12 और 0 का 0 उतार दिए। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि ये 3:2 कैसे दिया हुआ रहता है उसको बताने के लिए। देखिए अब यहाँ 120 रुपया रोहित का है, 80 रुपया इसका है, दोनों को जो आप डिवाइड करिएगा तो ये 3/2 ही आएगा है ना। देखिए 120 और डिवाइडेड बाय 80। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटिएगा, 4 2 8 एंड 4 3 12, यही 3/2 दिया हुआ था, 3/2 दिया हुआ था। और हमने फिर 3x 2x माना था, यानी कि वो 80 और 120 के बदले माना था। अब दोनों को मिला के दोनों के पास कितना पैसा हो गया, 120 और 80 200 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 200 रुपया दोनों के पास है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए और क्वेश्चन आप लोग पहले बनाने का कोशिश कीजिए और तभी मेरा सॉल्यूशन देखिए। हम पहले क्वेश्चन समझाते हैं, उस समय वीडियो को रोककर पहले खुद से बनाइए और तब देखिए कि हम नहीं बने आपसे, तब फिर आप देखिए कि सर बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 बर्तन है, 2 कंटेनर है ए और कंटेनर बी है ना। द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन कंटेनर ए एंड कंटेनर बी इज द रेशियो 4:7। तो ये जो वॉल्यूम है तेल का जो मात्रा है वो 4:7 में दिया हुआ है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि कंटेनर ए में से 1/2 ऑयल को कंटेनर बी में रख दिया गया,
उसके बाद फिर से कुछ दिमाग लगा और लगा कि नहीं, इसमें से बी में से फिर से ए में रखना चाहिए, तो 1/3 जो बी में था उसको फिर से ए में रख दिया गया। अब इतना अल्टी पल्टी दो बार ये अल्टी पल्टी करने के बाद ये जो नेक्स्ट जो रेशियो बना, तो वो क्या रेशियो बना, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑयल कंटेनर ए टू द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन कंटेनर बी, यानी कि ए का और बी का जो रेशियो है वो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि उसमें तेल जो है 4x है और 7x है, और तब हम लोग इसमें से ए में से जब बी में रखेंगे तो बी में ए में घटेगा और बी में बढ़ेगा। तो पहला वाला में ए बढ़ाएंगे घटाएंगे ए में और बी में बढ़ाएंगे, दूसरा वाला में बी में से ए में डाले हैं तो यानी कि बी घटेगा और ए में बढ़ जाएगा, और तब हम लोग का जो आंसर आएगा उसका फिर रेशियो निकाल देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब लोग बनाइए, और नहीं बने तो फिर मैं बता रहा हूँ, आगे देखिए। इसमें मैंने बनाया है, मान लिया कि उन लोगों का वॉल्यूम 4x था और 3x था, और अब जब क्या हुआ कि 1/ यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ, हाँ, तो ये जब 1/2 ऑफ ए इज पोर्ड इंटू बी, यानी कि जब 1/2 जो है ए से बी में रख दिया गया तो क्या हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ ए जो था उसमें 4x था, देखिए पहले से 4x था वॉल्यूम, और ये 4x को घटा दिए 1/2 ऑफ 4x, है ना। तो ये घटाने के बाद जो आया वो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 4 कटा तो 2 2 जा 4, और ये 2x और ये 4x, 4x में से 2x घट गया माइनस है, तो ये 2x वॉल्यूम अब बच गया ए में। बी में पहले से 7x था, देखिए यहाँ 7x है, और उसमें बढ़ गया, प्लस हो गया 1/2 ऑफ 4x, इसमें जितना घटा उसमें इतना बढ़ा, 2 से 2 कट गया 2x हो गया, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 9x। अब बी में वॉल्यूम 9x हो गया, अब फिर से बी में से ए में डाला गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे, नाउ व्हेन 1/3 ऑफ बी इज पोर्ड इनटू ए, है ना, तो वॉल्यूम ए में जो है अब बढ़ जाएगा क्योंकि बी में से ए में डाला गया तेल। तो 2x पहले से था, देखिए यहाँ पे बचा हुआ जो था वो यहाँ से 2x था, 2x पहले से था, उसमें 1/3 किसका बढ़ा, बी का बढ़ा, बी में पहले से कितना 9x, तो 9x का बढ़ा, तो 3 से 3 3 9, तो 2x प्लस 3x ये हो गया 5x, और वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो पहले से 9x था उसमें से घट गया 1/3 ऑफ 9x, तो ये बच गया 6x। अब न्यू जो रेशियो आया वो 5x, 5x ए में और 6x बी में, तो एक्स एक्स कट गया तो 5:6 ये न्यू रेशियो आ गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब बनाने का कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूँ, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स टू कैलकुलेटर, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा गया है और कैलकुलेटर खरीदा गया है, तो ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस जो है वो और कैलकुलेटर दोनों का 3:4 है, तो हम लोग मान लेंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स का कीमत 3x है और कैलकुलेटर का कीमत 4x है, तो दोनों का टोटल प्राइस दिया हुआ 350, तो 3x प्लस 4x जो हो जाएगा वो जोड़ के 350 हो जाएगा। और इफ द प्राइस ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स एंड द कैलकुलेटर आर इंक्रीज्ड बाय 1/3 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली, जो अगर 1/3 और 1/5 से जो है ज्योमेट्री बॉक्स और कैलकुलेटर का दाम बढ़ा देते हैं, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स 1/3 बढ़ाएंगे और कैलकुलेटर 1/5 बढ़ाएंगे ऑफ देयर ओरिजिनल प्राइस, तो नया नया जो रेशियो होगा प्राइस का कैलकुलेटर बाई ज्योमेट्री वो क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व किए हैं, आप लोग पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, तब फिर देखिएगा आगे बढ़ेगा। लेट द प्राइस बी 3x एंड 4x, मान लिया कि जो प्राइस है वो 3x एंड 4x है, 3x किसका है, 3x है ज्योमेट्री बॉक्स का, यहाँ पे जी लिख देते हैं, ये 3x ज्योमेट्री बॉक्स का, और 4x है कैलकुलेटर का, तो ये 3x प्लस 4x जो दिया हुआ है वो 350 दिया हुआ है, तो एक्स थ्री सेवन एक्स इज इक्वल टू 350 और एक्स इज इक्वल टू 75 जा 4।
35, तो 50 ये आंसर आ गया आपका, एक्स का वैल्यू आ गया। तो प्राइस आप ज्योमेट्री बॉक्स का निकाल देंगे तो 150, और कैलकुलेटर का दाम निकाल देंगे तो 200। 3x और 4x, तो 3 गुना x यानी कि 3 इंटू 50, और 4x यानी 4 इंटू 50। आफ्टर इंक्रीजिंग 1/3 इन प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस 1/3 हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में है ना, प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ा दिया गया है 1/3, 1/3 ज्योमेट्री बॉक्स का बढ़ाया गया है। तो यहाँ से 1/3 ज्योमेट्री बॉक्स का हमने दाम बढ़ा दिया है, तो ये आपका हो गया 150। पहले से दाम यहाँ देखिए निकला हुआ है, ये वाला ये 150, उसमें जो है 1/3 ऑफ 150 किए तो 3 5 50 15, तो ये 50 हो गया। तो 150 प्लस 50 ₹200 अब बढ़ने के बाद दाम हो गया। और उसी तरह से जो अगर कैलकुलेटर का दाम 1/5 बढ़ाना है तो 200 पहले से था, यहाँ देखिए 200 पहले से दाम था, उसमें 1/5 ऑफ 200 बढ़ा दिए, तो 5 4 20, तो 40 प्लस 200, तो 240 ये हो गया। अब देखिए जो हम लोगों को अब जो रेशियो निकालना है, कैलकुलेटर बाय कैलकुलेटर का पहले लिखना है तब ज्योमेट्री बॉक्स का लिखना है। तो कैलकुलेटर हो गया ₹240 का और ज्योमेट्री बॉक्स हो गया ₹200 का, जीरो से जीरो कट गया और बाकी बचा 20 और 24/20, तो ये काटेंगे 5 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 6 24, तो ये 6/5 आएगा। ये आपका आंसर थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, घबराइएगा नहीं, ये कल उसमें जो है कुछ गड़बड़ है, ज्योमेट्री इज टू कैलकुलेटर दिया है, हम यहाँ पे कैलकुलेटर इज टू ज्योमेट्री निकालेंगे क्योंकि बुक में वही कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आज इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.4 का बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग जो है देखते हैं कि ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो रिवीजन एक्सरसाइज रन थ्रू है यानी कि ऑल एक्सरसाइजेस से जो क्वेश्चन मिला जुला कर आते हैं वो है, सबसे पहले सिंप्लीफाई द रेशियो है यानी कि इसको सिंपल करना है, डिवाइड वाइड करके छोटा बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए देख लेते हैं और डी देख लेते हैं, ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको सिंपल करके, इसको कट करके टेबल से और सिंपल करके लिखिए, और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बताऊँगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और यहाँ पर मैंने 3 तरीके से बनाया है, आपको जो पसंद पड़े आप बनाइए। देखिए ये 9 4 36 36 प्लस 7 इज 43/9, और ये 27 1 27 प्लus 1 28/7, इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से चेंज करने के बाद जो आया ये देखिए, ये डिवाइड समझिए कि है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो यहाँ से 9 से 9 3 27, तो 28/3 ये 43:28/3 आया सिंपल रेशियो। जो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 से जो 43 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये 1 होता है ना और ये इस तरह का होता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 129/28 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से इस टू करके और सिंपली नीचे नीचे ही काट सकते थे, क्योंकि ये डिवाइड है लिखा हुआ, ये समझिए कि रेशियो है, डिवाइड है, और इस तरह से सेम आता, और नहीं तो आप ऐसे देखिए, आपको ये फार्मूला बताए थे कि ऊपर में ए और बाई बी रहे और फिर से एक बड़ा सा डिवाइड और तब नीचे में फिर से फ्रैक्शन सी बाई डी रहे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है ए गुना डी और डिवाइडेड बाय बी गुना सी। उस फार्मूला से जो अगर आप लोग बनाएं तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 43/9 ऊपर में और 28/27 ये नीचे में, और इसको हम लोग जब इस तरह से ये वाला फार्मूला से लगाएंगे तो देखिए आप खुद लगा कर देख लीजिए, और यदि आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिए कि सर ये गलती है, फार्मूला पे सेट नहीं हो रहा है,
43 × 27 और 28 × 9। अब ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 129/28 आएगा, है ना। अब बिल्कुल ये फार्मूला पे सेट होगा, मुझे मालूम है। हाँ तो आप लोग सेट करके देख भी लिए और आ भी गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी अब बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था ये क्वेश्चन नंबर डी अभी बता रहे हैं। ये 3 है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को अभी तुरंत आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 × 1 = 5 प्लस 1 = 6, 6/5, 7 × 2 = 14 प्लस 1 = 15/7 एंड 9 × 3 = 27 प्लस 1 = 28/9। अब देखिए 5, 7 और 9 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो तीनों को एक टेबल में तो कटेगा नहीं, तो क्या कीजिएगा कि तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5, 7 = 35, 35, 9 = मैंने कर लिया 315 और सब में गुणा कर लीजिए बराबर से। जब हम लोग एक ही नंबर से सारे टर्म्स में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने सब में गुणा कर लिया। 6/5 में भी 315, 15/7 में भी 315 और 28/9 में भी 315, और इसको सब कट करिएगा तो ये 63 आएगा, यहाँ से कट कीजिएगा 45 और ये 35। सबको फिर यहाँ से लिखेंगे 6 × 63, 15 × 45, 28 × 35 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 378 आएगा और ये सॉल्व करेंगे 675, 980। आप लोग बिल्कुल गुना करके देख लीजिए इसको, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है सिंपल रेशियो में ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है रन थ्रू का उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4/7 और y इज इक्वल टू 3/2, तो आप इसका वैल्यू निकालिए कि क्या होगा। बस x के जगह पे बस यहाँ से 4/7 रख देना है और y के जगह पे 3/2 रख देना है दोनों साइड। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, मैंने बताया है इसमें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये देखिए 7x + 3y = 5x - 2y और ये 7 × 4/7 + 3 × 3/2, 5 × 4/7 - 2 × 3/2। इस तरह से आप इसको करेंगे और करने के बाद देखिए आगे का प्रोसेस खुद से करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 7, 7 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 + 3 = 9, 9/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इस साइड 7, 5 × 4 = 20/7 और यहाँ पे −2, 2 × 3 = 6/2 और इसको आप आसानी से एलसीएम लेकर घटा लेंगे। घटाने के बाद जो डिनोमिनेटर बचेगा, जैसे यहाँ 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 17 बटे 2 बचेगा, इधर 17/2 होगा इस साइड और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा आप देखिए 7 × 2 = 14 होगा और ये डिनोमिनेटर में और ऊपर में क्या हो जाएगा 40 - ये 7 × 6 = 42, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, उस साइड में आप डिवाइड कीजिएगा, 17 का आधा कितना होता है, 17 का आधा होता है 8.5 और बीच में ये रेशियो आ जाएगा, ये देखिए ये रेशियो आ जाएगा बीच में और इस साइड हो जाएगा −2/14, तो उसको भी डिवाइड कर लेंगे −2/14 को, तो ये आपका −2/14 को जब डिवाइड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14 और इसको अच्छे से डिवाइड कर लीजिए, 7 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.71 = 7 और चूंकि 10 हो जाए तो 7 × 7 फिर हो जाए 3 × 0 तो 7 × 4 = 28 और फिर आगे और भी आएगा, लेकिन आपको 8.5 और −0.14 इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मैं आगे भी बताऊंगा, आगे वाला जो रन थ्रू है आप लोग खुद से ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का कोशिश कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी आप लोगों से यदि बने तो बनाइए, और नेक्स्ट जो आगे का वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा।
आज के लिए आपका होमवर्क है कि रन थ्रू आप कोशिश करेंगे बनाने का और कोशिश करेंगे कि सारा बन जाए। सो स्टूडेंट थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे।